Study IQ क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल चाइना के मैप प्रोपेगेंडा में नया टर्न आ गया है फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज नरवड़े ने एक्स पर एक मैप शेयर किया है अपनी इस पोस्ट में लिखा है फाइनली समवन गॉट मैप ऑफ चाइना एज इट रियली इज इस चाइना के न्यू रॉन्ग मैप के प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट भारत का काउंटर माना जा सकता है टूडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द न्यू डायमेंशन ऑफ द रियल मैप ऑफ चाइना आप देख रहे जियो पर्स आपके साथ मैं हूं शिवानी चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स ने लास्ट मंथ ऑन ट्वेंटी एट ऑफ ऑगस्ट कंट्री का न्यू मैप रिलीज किया था इस न्यू मैप को चाइना ने 2023 एडिशन ऑफ द स्टैंडर्ड मैप नाम दिया था अकॉर्डिंग टू द न्यू मैप भारत का स्टेट अरुणाचल प्रदेश एंड एक्साई चीन चाइना का हिस्सा बताया गया ऑल पूरा साउथ चाइना सी भी चाइना की टेरिटरी में दिखाया गया है इससे पहले के मैप्स में भी चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है चाइना के इस मैप को पूरे वर्ल्ड ने स्पेशली कंट्रीज अफेक्टेड पहले ही रिजेक्ट कर चुकी हैं बट अब भारत एक न्यू एंड सॉलिड एविडेंस के साथ सामने आया है आर्मी चीफ मनोज नरवड़े ने जिस मल्टी कलर मैप को शेयर किया है उसमें एक्चुअल और यह हिस्टोरिकली ट्रुथ भी है फॉरन मिनिस्टर भी इस पर एक स्टेटमेंट दे चुके हैं वो क्लियर कर चुके हैं कि भारत चाइना के किसी भी ऐसे मैप्स को एक्सेप्ट नहीं करता है एस जयशंकर ने क्लियरली कहा कि चाइना ऐसे फेक मैप्स 1950 से ही रिलीज करता आया है चाइना के ऐसे मैप भारत के लिए मायने नहीं रखते जो एरिया भारत का है वो भारत का ही रहेगा जनरल नरवड़े की ताइवान विजिट से भी चाइना अनहैप्पी है एक्चुअली 8 अगस्त को जनरल नरवड़े फॉर्मर नेवी चीफ करमबीर सिंह एंड फॉर्मर एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया के साथ ताइवान में थे फॉर्मर चीफ ने ताइवान में हुई केटागलन फॉर्म्स 2023 इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग में भारत को रिप्रेजेंट किया था इस विजिट ने ताइवान एंड भारत के रिलेशनशिप को तो बूस्ट किया लेकिन भारत एंड चाइना के रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर गई नॉर्मली चाइना एंड ताइवान की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ने वाले भारत ने इसमें एंटर करने का डिसीजन लिया चाइना ने भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ की इस विजिट को अपोज भी किया था बट विदाउट टेकिंग एनी नेम फॉर द चाइना ताइवान के किसी भी कंट्री की फ्रेंडशिप बल ही रही है बेप्रॉड पर ताइवान ने भी रिएक्शन दिया ताइवान ने कहा कि ताइवान को थ्रेटन करने के लिए चाइना अपने मिलिट्री एक्टिविटीज इनक्रीज कर रहा है ताइवान ने चाइना को ग्रे जोन एक्टिविटी मींस एक्ट ऑफ वॉर के लिए भी एक्यूज किया अलोंग विद भारत आसियान कंट्रीज ने भी चाइना के इस न्यू मैप को रिजेक्ट किया था जापान मलेशिया वियतनाम एंड फिलीपींस ने भी अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया था बट इन रिस्पॉन्स टू दीज प्रोटेस्ट चाइना ने कहा था कि नॉट टू ओवर इंटरप्रेट द न्यू मैप चाइना ने अपने मूव को डिफेंड करते हुए तक बता डाला। भारत के पर की के ने दिया था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यह चाइना के लिए एक रूटीन प्रैक्टिस थी जो कि चाइना के लॉ के अकॉर्डिंग थी मैप को चाइना की नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री ने रिलीज किया था स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि यह मैप चाइनीज पीपल्स को नेविगेशन में हेल्प करने के लिए बनाया गया था इस पर भारत का कोई भी ऑब्जेक्शन करेक्ट नहीं है चाइना का अपनी नेबरिंग कंट्रीज की जमीन पर यू कब्जा करना कोई नई बात नहीं है चाइना इज अ ओल्ड प्लेयर इन इट चाइना एरिया के मामले में रशिया एंड कैनेडा के बाद थर्ड नंबर पर आता है बट चाइना के लैंड का अराउंड 43 परसेंट अदर कंट्रीज का है इसका मतलब यह हुआ कि चाइना ने उन एरियाज़ को एनक्रोच किया हुआ है इतना ही नहीं चाइना ने एवरी फ्यू मंथ ये कोशिश करने लगता है कि वो और लैंड एरिया अपने अंडर कर ले चाइना ने ईस्ट तुर्किस्तान को 1949 में एनक्रोच किया था चाइना इसे अपने स्टेट शिनजियांग का हिस्सा बताता है इस एरिया में रहने वाले 45 फाइव परसेंट ओइगर मुस्लिम एंड फोर्टी परसेंट हॉन चाइनीज हैं द होल वर्ल्ड नोज कि चाइना कैसे уйकर मुसलमानों को टॉर्चर कर रहा है इन में 1950 चाइना ने थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स के साथ तिब्बत को इनवेट किया पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत सेकंड लार्जेस्ट एरिया था जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया तिब्बत में 78% बौद्ध हैं हियर वी कैन से दैट तिब्बत पर चाइना का अटैक एंड 1959 में दलाई लामा का भारत में शेल्टर लेना ही कही कहीं ना कहीं 1962 में भारत चाइना वॉर का रीजन बना 15th से ही चाइना ने अक्साई चीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था जो आज तक उसी के कब्जे में है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना ने इनर मंगोलिया पर भी कब्जा किया इन 1947 चाइना ने इसे एटोनमस घोषित कर दिया चाइना एंड हांगकांग के बीच वन कंट्री टू सिस्टम एग्रीमेंट लागू है एक्चुअली इन 1997 जब ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को सौंपा तो हांगकांग के अपोज के बाद यहां फॉर द नेक्स्ट एग्रीमेंट साइन हुआ ही China है। China का name, है। before, अलग हो चुके ताइवान को चाइना फिर से अपने टेरिटरी में लाने की कोशिशें नॉन स्टॉप करता है चाइना के एंक्रोचमेंट की इस हैबिट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसकी बॉर्डर 18 कंट्रीज से मिलती है एंड वो 23 कंट्रीज को अपना पार्ट बताता है लैंड तो छोड़िए चाइना तो सी एरिया को भी नहीं छोड़ता चाइना पूरे साउथ चाइना सी पर भी अपना ही हक जताता है इंडोनेशिया और वियतनाम के इन बिटवीन सिचुएटेड ये सी 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में है ये सी इंडोनेशिया चाइना फिलीपींस वियतनाम मलेशिया ताइवान और बुनेई से कवर्ड है इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज इसे अपना ही बताती हैं। भारत ऑलवेज चाइना के हर रॉन्ग स्टेप पर अपना ऑब्जेक्शन रेस करता रहा है इससे पहले भी चाइना भारत की लोकेशंस के नेम चेंज करता आया है सेम ईयर इन अप्रैल चाइना ने भारत के इलेवन लोकेशंस के नेम चेंज कर दिए थे इन लोकेशंस में माउंटेन्स पीक्स, रिवर एंड वो एरिया इंक्लूडेड थे जहां लोग रह रहे हैं भारत चाइना के हर ऐसे मूव का ओपनली एंड फेयरलेसली आंसर देता रहा है इसी के एग्जाम्पल्स हैं वो 90 की बॉर्डर प्रोजेक्ट जो चाइना की हैवीली फोर्टिफाइड मिलिट्री पोस्ट को काउंटर करने के लिए अप्रूव हुए हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए भारत 3000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा भारत की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेगी इनमें भी की प्रोजेक्ट्स वो हैं जिनमें टनल्स एयरफीज हेलीपैड्स रोड्स एंड कई ब्रिज इंक्लूड हैं न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है उसे डेवलप करना भी इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट करता है ये वो एरियाज हैं जिसे चाइना अपनी टेरिटरी बताता आया है बॉर्डर एरिया में मिलिट्री मूवमेंट को भी हमेशा एक्टिव रखता है ऐसे में भारत के ये प्रोजेक्ट उसकी आंखों की किरकिरी बन रहे हैं अपने पावर को इंक्रीज करने एंड चाइना के प्रेशर को कम करने के लिए ही इन प्रोजेक्ट्स में से 36 अरुणाचल प्रदेश में 26 लद्दाख में एंड 11 जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है चाइना ने बॉर्डर एरिया में मिलिट्री पोजीशंस, बंकर्स, अंडरग्राउंड शेल्टर आर्टिलरी पोजीशंस, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स रडार इंस्टॉलेशन एंड एम्यूनेशन स्टोरेज तैयार किए हुए हैं चाइना की ओर से बॉर्डर एरिया में रोड कंस्ट्रक्शंस ब्रिज टनल एंड हेलीपैड कंस्ट्रक्शन भी होते आए हैं ऐसे में भारत की ओर से जो भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेशली तवांग रीजन को कनेक्ट करने वाली नेचीफू टनल जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी सो इन दी कैन से दैट चाइना के फेक मैप्स का भारत डिप्लोमेटिक वे में तो आंसर दे ही रहा है एलोंग विद बाई दीज कंस्ट्रक्शन भारत चाइना को ग्राउंड जीरो पर भी घेरने का काम कर रहा है आज के जियो पर्स में बस इतना ही नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक अपना ख्याल रखिए गुड बाय स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल